उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से बड़ी खबर, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत जबकि कई लोग घायल हुए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव की है, जहां पर खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से अचानक विस्फोट होने से हड़कंप मच गया, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक खाना बनाते समय हुए विस्फोट में 2 मंजिला इमारत जमी जोध हुई है, जिसके मलबे में परिवार के 15 लोग दब गए, जिनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 लोगों को निकाला गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अब तक 2 महिला, 2 पुरुष और 4 बच्चों के शवों को निकाला गया है। विस्फोट में घायल 7 लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए दुर्घटना में मृत हुए लोगों पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तेजी से बचाव और राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी को दुर्घटना के कारणों की जाँच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देशित किया है। दरअसल वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के ठठेरी पुरवा मजरे में नूरुल हसन के घर में अचानक विस्फोट हुआ और बगल में फकीरे का घर भी जमीजोद हो गया। कुल मिलाकर 2 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हुए। वहीं आनंद फानंद में मौके पर आईजी देवीपाटन रेंज, पुलिस अधीक्षक, एएसपी और कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू किया गया। एसपी और उपजिलाधिकारी के निर्देशन में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। फिलहाल विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन विस्फोट का जो स्थल था उससे कुछ भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि खाना बनाते समय विस्फोट हुआ है और घर गिरा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू करा रही है। 8 लोगों के मौत की पुष्टि और 7 लोगों के इलाज चल रहा है। वहीं फोरेंसिक टीम जाँच कर रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गाँव में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 2 मंजिला मकान जमीजोद हुआ है। इस मामले में डीआईजी राकेश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होकर अपना बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से ये बड़ी खबर, जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह घटना सामने आई और कई लोगों के घायल होने की तथा 8 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र इलाके के टिकरी गांव का यह मुकदमा मामला है, जहां पर गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल गोंडा में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं कई लोगों की मौत भी हुई है। हालाँकि पुलिस व प्रशासन लगातार जाँच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है तथा घटना में किस प्रकार से विस्फोट हुआ इसकी भी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। अंतर्गत टिकरी क्षेत्र है, जहां पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहां पहुंचा है। आईजी महोदय भी यहां पहुंचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहां पे राहत बचाव कार्य यहां पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहां मौके पर चल रहा है। पूरी टीम हमारी प्रशासन पुलिस की यहां पे कैंप किए हुए हैं, अन्य भी टीमों को बुला लिया गया है और बाकी जितना भी राहत कार्य है वो कंटिन्यू यहां पे चलेगा। सिर्फ दुर्घटना का कारण क्या है? जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों, फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है। बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो लोग उसमें हम लोग लगे हुए हैं। क्या घटना हुई है यहाँ पर वजीरगंज? वो हमारे रिश्तेदार हैं, नूरुल हसन, थाना वजीरगंज में टिकरी रखता है और ये 9:30 रात का वाकया है कि सिलेंडर फटा, एक सिलेंडर फटा, उसके बुनियाद पर 2 सिलेंडर और रखा था, वो भी फटा
और इससे जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 4 बच्चे हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। और घायल कितने लोग हैं? घायल जो है 3 बच्चे हैं और 3 बड़े हैं, जिसमें 2 जो है 2 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। अच्छा, ये बताइए क्या कारण है, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ? अब कारण खाना बनाने में या जो है खाना खा लिए होंगे, चाय बनाने में ऐसा कुछ हुआ, कोई मामला घटना जिससे मामला हो गया। ये पटाखा का व्यवसाय भी पहले पूर्व में करते थे? अरे बहुत पहले पूर्व में करते थे, लेकिन अब ये सब नहीं करते थे, जो है बच्चे कमाने खाने लगे थे, ढंग से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। गलत जो है गैस सिलेंडर ही से मामला हुआ, जो 3-3 सिलेंडर लगा। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पटाखा कल, जैसा आप जानते हैं कि कल रात में 112 पर सूचना मिली कि सिलेंडर फटने से विस्फोट हो गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी उनका पुलिस दल पहुंचा, थोड़ी देर बाद पुलिस अधीक्षक और हम लोग स्वयं पहुंचे और वहां पर जो मकान गिर गया था, जो मलबा था, उसको हटाने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया और जेसीबी मशीन और वहां पर लाइट के प्रबंध करके मलबा हटाया गया, जिससे वहां पर घायल 7 लोग घायल मिले, जिनको जिला अस्पताल तुरंत एम्बुलेंस भेजा गया और उसमें डेड बॉडीज मिली, जो बाद में कुल 8 हुई, जिसमें 2 पुरुष, 2 महिला, 2 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं। इन लोगों की वहाँ पर दबने से मृत्यु हो गई थी। साथ में आसपास लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटने की आवाज़ हुई, जिसमें कि हादसा हुआ है। किस तरीके से इसमें टीम कोई आ रही है, क्या जांच करेगी? अब इसमें मैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर ये सिलेंडर फटने से किस तरह से हादसा हुआ है, तो एंटी सबोडेस टीम उसमें जांच कर रही है। साथ में BD स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया अध्यक्ष से, जो कि इसको देख कर बताएंगे कि उसमें घटना किस तरह से हुई और क्यों हुई। जिस तरीके से विस्फोट हुआ, इतना बड़ा बिल्डिंग झरझरा के गिरा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि सिलेंडर से नहीं होगा, क्योंकि मनिहार जात के हैं, हो सकता है ये पटाखा वगैरह का भी विस्फोट हो सकता है। किस तरीके से इसमें जांच हो रही, किस तरीके से कार्रवाई की जाए? देखिए, इसको जो है तकनीकी रूप से जब तक हमारी एक्सपर्ट टीम देख नहीं बता देती, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो टीम बता देगी यहाँ पर विस्फोटक था या नहीं था या सिलेंडर फटा है, तो उनकी ओपिनियन आने के बाद, जो कि फायर की टीम भी गई थी, उन्होंने इस पर देखा भी है, लेकिन जब तक एक्सपर्ट BDS के लोग नहीं बता देंगे, तब तक इसको हम लोग ये धारणा नहीं ले सकते कि ये बम विस्फोट से हुआ या सिलेंडर फटने से हुआ। अगर सर पुलिस किस नज़रिए से देख रहे हैं, जैसे कि बलरामपुर में ऐसे बीते दिन इस तरीके से वहाँ पर विस्फोट हुआ था और अपने यहाँ साधुल्ला नगर में भी जिलेटिन राज वगैरह मिले थे, तो क्या उस घटना से क्या इस पर क्या देखा जा रहा है? नहीं, उस तरह की हर घटना का अपना एक अलग नेचर है, उस अलग तरह की घटना होती है। इस घटना में हमने बताया आपको कि उसको इसकी छानबीन की जाएगी और इसकी जांच के बाद जो तथ्य आएंगे, अगर लगता है कि ये घटना सिलेंडर से हुई है तो उस तरह से देखा जाएगा, अगर अन्य कोई कारण प्रकाश में आता है उसके हिसाब कार्रवाई की जाएगी।